हाय हेलो सर सिकाल गुड मॉर्निंग. और मैं इस लाइट में शूट कर रही हूँ क्योंकि दूसरी लाइट ऑन करते फ्लिकर हो रहा है. सो आज का व्लॉग मैं इन सब मम्मियों से पूछना चाहती हूँ जिनके बेबीज हैं. लाइक रिदान को हम डॉक्टर से चेक करा चुके हैं, ब्लड टेस्ट सब कुछ हो चुका है, स्टूल टेस्ट हो गया. वो एक दिन ठीक होता है फिर दोबारा लूज मोशन हो जाते हैं, फिर ठीक होता है फिर कुछ खाता है तो लूज मोशन हो जाते हैं. सो ऐसा काफ़ी दिन हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए हैं. सो अभी आज हम उसको फिर जलंधर लेके जा रहे हैं कि गेस्ट्रो वाले को चेक करवाने को बोला है किसी डॉक्टर ने, क्योंकि हमने 2-3 डॉक्टर चेंज करके देखे. फिर हम जिनसे अपने डॉक्टर हैं उनको भी दोबारा चेक कराया, उन्होंने ब्लड टेस्ट जो भी सब हो रहा टच वुड सब ठीक है, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, बट इज है कि हम आयरन जब भी शुरू करना थोड़ा ठीक हो जाए तब शुरू करते हैं. थोड़ी सी इन्फेक्शन थी उसके लिए उन्होंने बोला था कि वो इतना मेजर वो नहीं है, वो कर सकते मेरे बच्चे को ORS नॉल सब कोकोनट वाटर जितना मतलब ठंडी चीज़ें दे सके. बट अभी बड़ी सिचुएशन वैसी कन्फ्यूजिंग कि ये सब बच्चों को होता है, मतलब सब इन द सेंस मोस्टली बच्चों को होता है, इज इट नॉर्मल, घबराने वाली बात है नहीं है. मतलब ऑब्वियसली हमें तो अभी बहुत स्ट्रेस है क्योंकि यूपी सिंह मेरे से ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उनको देख के मैं हो जाती हूँ. मम्मियाँ सब बोलती हैं कि छोटे बच्चों को हो जाता है कि पता दाढ़ कटी हो या वो भी चेक किया, हमें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या. सो वो सवाल अभी दिमाग में चल रहे हैं. और शूट ऐसी चीज़ है कि यहाँ मैं अगर बोल भी दिया है मैंने नोटिस किया है. सो अभी एकदम से लाइट चली गई, मैं कंटिन्यू करती हूँ. सो आगे अब मैंने इन लोगों से बात की, उसी में बात की, क्योंकि कोई आर्टिस्ट नहीं चाहता कि चीज़ें ख़राब करके शो छोड़े. मैं भी नहीं चाहती क्योंकि ये कैरेक्टर अच्छा चल रहा है, सब अच्छा लग रहा है, करना अच्छा लग रहा है. लेकिन जब बच्चों को ऐसे जोन में देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं ही नहीं हूँ पास में, तो थोड़ा सा वैसी सिचुएशन हो जाती है. आई एम श्योर मैं बार बार ये बात नहीं करना चाहती, बट अभी ऐसा चल रहा है कि मुझे लगता है अभी सब ठीक हो गया अगेन वैसा कुछ हो जाता है. तो शो तो चल रहा है, अलग वो कर रहे हैं कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, या मुझे अगर छोड़ना भी है तो कैसे चेंज हो सकता है, अगर करना है मुझे कंटिन्यू तो कैसे मैनेज करेंगे डेज की मुझे बच्चों के लिए भी टाइम मिल जाए और उनका भी काम हो जाएगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ नहीं आ रहा. इसमें यही क्वेश्चन सबने पूछना है, सबसे पूछना था प्लीज़ मदर्स जो भी हैं जिनकी जरूरत है क्या सोल्यूशन होता है और क्या कर सकते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. मे भी उससे मुझे कुछ हेल्प हो जाए. कई बार चीज़ें मतलब जो देसी नुस्खे बोलते हैं मैंने सब किए कि चाय में पानी मिला के उसको देना है, मैंने वो भी चाय को दिया है और वो छोटा बेबी मेरा मानता है चीज़ को कि मम्मा बॉडी ठीक हो जाएगा, उसको बोलो इससे हो जाएगा तो चीज़ें करता है. सो बड़ा अजीब सा भी फील होता है उसको ऐसे देख के, और वेट लूज हुआ है उसका काफ़ी, वो देख के सब ज़्यादा परेशान होते हैं. पता है ऐसा होता ही होगा, मतलब मम्मियाँ जब बोलती हैं तो ऐसे लगता है हाँ नॉर्मल है, बट जब अपने बच्चे को देखो तो आई एम श्योर हर माँ का नहीं कर सकती कि वो स्ट्रेस अलग हो जाता है कि क्यों 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 सब ठीक है सब ठीक है. सो यही अभी चल रहा है फिलहाल. आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि ये नॉर्मल या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ. और मैं यू सिंह को देख के ज़्यादा हो जाती हूँ, मेरे से ज़्यादा पैनिक हो जाती है. सो ये देखो हमारा बर्थडे बॉय. पहले डोर ओपन करो बेटे, जिस लाइट पे हम बैठे हैं ना अंधेरा दिखेगा. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू मैम. ये मेरे परमानेंट बच्चे हैं. परमानेंट बच्चे. यस बेबी का बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू मैम. तो मेरी डाइट तो लाने आए हो फिर मैं थोड़ा वाला हम थोड़ा थोड़ा बट थोड़ा भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हाँ मैं डाइट पे हूँ. थैंक यू. वेलकम मैम. इसमें एग तो नहीं है ना? नहीं मैम. बच्चा इतने प्यार से लाया एंड टच वुड सबके बच्चे खुश रहे, ठीक ठाक रहे, सबकी फैमिलीज ठीक रहे, मम्मी पापा बच्चे सब ठीक रहे. क्योंकि माँ बाप को कुछ होता तब भी टेंशन हो जाती है, बच्चों को टेंशन होती है तब भी टेंशन हो जाती है. यस फिलहाल के लिए ही. और व्लॉग मतलब मुझे ऐसे ना इंटरेस्ट सा छूट जाता है कि मैं कर नहीं पा रही, तो मुझे लगता है छोड़ दूँ व्लॉगिंग करना.
यस मैंने डाइटिंग शुरू की है, सुबह का पहला मील मैं कितने बजे लेती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट लेट हो 12 बजे के बाद, ये लेके मैंने मल्टीविटामिन शुरू किया है, पनीर सैंडविच काइंड ऑफ, उसमें कुछ नहीं ऐसे पनीर और थोड़ा सा अनियन चॉप करके डाला है। सो अभी किसी ने बताया है हींग पानी में घोल के नेवल पे लगाने से, सो मैंने घर फ़ोन किया कि वो करके देख लो, वो भी करके देखते क्या होता है।